हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि मैं अभी हूँ गया में, और गया के बराबर जगह पे हूँ, और मैं आया हूँ आज बराबर गुफा घूमने। और मैं बता दूँ, ये यही गुफा है जिसने एक मूवी को ऑस्कर दिलवाया। ये वही गुफा है जो मानव द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन गुफा है। तो चलो इसकी सैर करते हैं। वीडियो में जिस बराबर गुफा की बात कर रहा था, ये वही बराबर गुफा है। अगर तुम इसमें अपना नाम पुकारोगे तो उसका इको तुम्हें 10 से ऊपर सेकंड तक तुम्हें सुनाई देंगे। और तुम बताते हैं तुमको अगर बराबर गुफा आना है तो कैसे आओगे। तुम्हें क्या आना है, बेला जंक्शन आना है जो गया में पड़ती है। बेला जंक्शन से तुम्हें ऑटो पकड़ने, एक ऑटो 25 रुपीज़, वहाँ से फिर ऑटो चेंज करने दूसरे ऑटो में 10 रुपये, यानी 35 रुपये, यानी 35 रुपीज़ में तुम बेला जंक्शन से ये बराबर गुफा आ सकते हो। बराबर गुफा के ऊपर पहाड़ पे 271 सीढ़ी चढ़ोगे तो श्री सिद्धनाथ भगवान का टेम्पल है, यानी भगवान भोले का टेम्पल है। तो भगवान भोले का दर्शन कर लोगे, इस बराबर गुफा को घूम लोगे। मैंने बताया था कि इस गुफा पे एक फिल्म को ऑस्कर मिला, तो इस गुफा पे एक राइटर ने नोवेल लिखा था और उसका नाम था अ पैसेज टू इंडिया। इसी नोवेल पे एक मूवी बनी अ पैसेज टू इंडिया जिसने ऑस्कर जीता। अब तुम समझ सकते हो कि ये जो गुफा है मानव द्वारा निर्मित, रॉक को जो कट करके बनाते हैं, ये बहुत ही प्राचीन गुफाओं में से एक है, यानी सबसे प्राचीन गुफा है अभी तक का। और ये महान सम्राट अशोक के शासन में बना था। तुम एक बार ज़रूर विजिट करो, ये बिहार के गया जिले में पड़ता है। और ये जगह का नाम बराबर है, इसलिए, और इस गुफा का नाम बराबर है, लेकिन जो नोवेल था वो मूवी है उसमें बराबर गुफा से बताया गया है। और इस गुफा के बाद आगे पड़ता है कौआटाल पहाड़, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है उस नोवेल का और उस मूवी का। तो मैं वहाँ भी जाऊँगा, तो वीडियोज़ में बने रहो। अभी मैं दिखाता हूँ, ये तो जस्ट गुफाज है, इसके बैकग्राउंड में बहुत सारे पेड़ पौधे और छोटे छोटे बड़े बड़े पहाड़ हैं। और जितने भी पहाड़ है ये गुफा है सब ग्रेनाइट के बने हुए हैं। और मंदिर समझ सकते हो 271 सीढ़ियाँ हैं, यानी बहुत ही ऊंची चढ़ान है। तो मैं उसे भी चढ़ूँगा, तो वीडियो से बने रहो। जो न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा लो। तो चलो मैं अपने नाम का इको इसमें देखता हूँ कैसा सुनाई देता है। राजीव, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। तो देख सकते हो मैं कैसे यहाँ पे क्रिएटिविटी करता हूँ स्पाइडरमैन वाला। भाई स्पाइडरमैन का कॉपी कर रहा था, कोई इंजरी नहीं हुआ, तुम भी आके यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। और आना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, और वहाँ पे तुम्हें लोकेशन मिल जाएंगे, मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लोकेशन डाल दूँगा। गुफा के बगल में मुझे ट्रिक करने का मिल गया पहाड़ और जंगल, तो मैं कैसे छोड़ सकता था उसे। तो देख सकते हो ये जंगल पहाड़ है, आई थिंक ये चट्टान को मैं पार नहीं कर पाऊँगा, आई थिंक मुझे रास्ता मिलेगा। वो भाई रास्ता मिल गया, देख तो भाई गुफा छोटा सा था, तो गुफा में तो कुछ मिला नहीं घूमने को, गुफा को तो बंद कर दिया गया था गेट। तो मैं सोचा थोड़ा सा ट्रिक कर लेता हूँ, इसमें ही कुछ मज़ा आ जाएगा, कुछ स्पाइडरमैन सुपरमैन बनने का मुझे। ओ भाई क्या व्यूज़ मिल रहा है भाई, कुछ होगा नहीं ना। देख ले भाई, इधर परमिशन नहीं है, ब्लॉग बनाने के लिए आया है अपन, देख सकते हो भाई। अरे ब्लैक क्या, नहीं नहीं भाई, वो पेड़ का क्या कहते हैं उसे, ओ कोई नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो भी जितने भी पेड़ है सब कटीले हैं, तो तुम थोड़ा सावधान रहना, मैंने सावधानी को नहीं बढ़ता, जैसे थोड़े से मुझे कटीले चुप गए, तो कोई नहीं इस बार सावधानी बरतूंगा भाई, नहीं चुप सकते मुझे कटीले। ओ भाई देखो ना भाई, मैंने एक और गुफा खोजा है, और देख सकते ऊपर, एक सेकंड, कोई जानवर तो नहीं होगा, क्या दिक्कत होगा तो मैं दोस्ती करूँगा, नहीं तो मुझे वो खाएगा, और क्या कर सकता। अरे भाई गजब है ये तो,
ओ भाई क्या बताऊं, देख सकते हो भाई। अब इसको मैं कैसे ट्रिक करूं भाई? कोई जहरीला सांप भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो करने होंगे ट्रिक। और क्या मुझे बैठने पड़ सकते हैं भाई? ओ भाई अगर एक भी चट्टान स्लिप किया तो सीधे मैं गया भाई। देख सकते हो एक ऐसे चट्टान है, मैं आगे जाने की कोशिश करता हूँ भाई, पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे। पॉसिबल है लेकिन मैं अकेला हूँ तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता आज, क्योंकि मेरा पार्टनर कोई आया नहीं आज, मुझे अकेले आना पड़ा। तो अभी तक जो वीडियो बने वो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, और जो घूमना चाहते हो कमेंट कर दो। अगला बार मैं कहीं भी जाऊँगा तो मैं तुम्हें कमेंट पिन करके रिप्लाई दे दूँगा लोकेशन का और डेट। आना चाहते हो तो आ सकते हो, मेरे साथ ब्लॉग में जुड़ सकते हो। मैं ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई। एक भी पत्थर देख लो, एक भी पत्थर अगर थोड़ा सा भी मिसमैच होता है तो सीधे मेरे सर पे गिरेंगे। और कैसे पत्थर है सब देख सकते हो, मैं उधर नहीं जाता हूँ। ये पेड़ मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, कटीला भी है, झाड़ी भी है, और यहाँ पे बोतल बहुत ज़्यादा फेंके हुए हैं। मैं तो फंस चुका हूँ भाई, मुझे कांटे भी गड़ चुके हैं, कोई नहीं। पानी भी पीते रहना चाहिए, यहाँ पे पानी ले लेना, तुम कैरी कर लेना। नहीं कोई नहीं, पीछे डराओ नहीं ऐसे भाई, पीछे अपने साथ पानी कैरी कर लेना, हो सके तो बबल गम चिलगम तुम ले सकते हो, जिस तुम एनर्जी बनी रहेंगे तुम ट्रिक व्रिक करोगे तो पहाड़ पे। और इतना हाइट देख रहे हो, कितना हाइट है, मेरे से दुगना हाइट है तो मैं चढ़ जाता। मैं कोशिश ग्रेनाइट का थोड़ा स्लिप कम करेगा, मैं कोशिश करता हूँ चढ़ने का। क्या करूँ भाई, मैंने ट्राईपोड भी अपना छोड़ दिया, मैं जल्दी में आ गया ये लोकेशन पे। ओ जय 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 जय, अगर मेरा स्लिप किया तो मेरा मोबाइल हाथ से छूट जाएगा। पहले मैं मोबाइल को रख देता हूँ। ओ सॉरी, जय बजरंग बली जय बजरंग बली। पहले मोबाइल तुम चला जा भाई, मोबाइल नहीं जाना कहीं, हाँ मैं चढ़ जाऊँगा। ओ माँ जय बजरंग बली। ओ माँ क्या कर रहा है, भाई यहाँ पे खाली कटीले पेड़ है, तुम कटीले पेड़ से बच जाना तो तुम कहीं भी ट्रिक कर सकते हो यहाँ पे। मैं तो अब इस पर चढ़ूंगा क्योंकि मुझे कांटे गड़े हैं। कुछ भी पकड़ा जा भाई, अगर स्लिप किया भाई ना तो मेरे हाथ पैर सब छिल जाएंगे, क्योंकि ये खड़ा गेड़े नाइट है और कांटे भी मुझे गड़ चुके हैं पहले। जय बजरंग बली, चल 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 चल, आगे आगे, पैर 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 पैर। ओ भाई चलो फाइनली, अरे मैं चढ़ तो जाऊंगा, उतरूंगा किधर? बाक और फाइनली दोस्तों देख सकते हो, फाइनली दोस्तों मैं ट्रिक कर चुका हूँ। मैं वो सीधे उसे पाक, मैं अभी गड्ढे से निकल चुका हूँ। मेरे से डबल हाइट के चट्टान था जिसे मैंने चढ़ाई किया, ग्रेनाइट था थोड़ा सा रफ सा, तो मुझे वहाँ पे ग्रिप मिला, जिस ग्रिप का यूज करके मैंने यहाँ पे चढ़ा हूँ। तुम भी आना, यहाँ पे ग्रेनाइट के पत्थर में ग्रिप है, ग्रिप कर से तुम ऊपर चढ़ सकते हो, बहुत ही एडवेंचरस फील होगा। और देख सकते हो मेरे पीछे का बैकग्राउंड कितना बढ़िया लग रहा है, और यहाँ से मैं ऊपर भी ट्रिक करूँगा। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई कि मैं आज अकेले आया हूँ, मेरा पार्टनर नहीं आया, जिससे कि ये वीडियोस में ज़्यादा तुम्हें एडवेंचर दिखेंगे लेकिन मैं रिस्क कम लूँगा। मैं यहाँ पे रिस्क लिया है, मैं ऊपर चढ़ा, मेरे चार पांच कांटे भी गड़े देख सकते हो, थोड़ा सा इंजरी आई है लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाऊँगा, पहाड़ का पानी मिलेगा, सब इंजरी खत्म हो जाएगा, कि उसमें क्या होता है, चमनप्रास नहीं जड़ू बूटी होती है उसमें। तो देखता हूँ आगे, और देख सकते हो बैकग्राउंड कितना बढ़िया लग रहा है। ओ भाई अगर पैर स्लिप नहीं करे तो ये जन्नत है जन्नत।
पैर स्लिप कर गया तो तुम्हारे लिए नर्क में बदल जाएगा। तो जन्नत समझ के चढ़ना और पैर को स्लिप नहीं होने देना, अपने ग्रिप को नहीं खोना और मेरे जैसा एडवेंचर करने निकल जाओ। अभी भी घर में हो तो निकल जाओ भाई। जंक्शन से 15 रुपये टिकट लगेंगे बेला जंक्शन का, वहाँ से 10 रुपये की ऑटो, एक 20 रुपये की ऑटो, 25 रुपये की, टोटल 35 रुपये लगे तुम्हें। यानी 50 रुपये में तुम ऐसे लोकेशन पे आ सकते हो और एडवेंचर करके 50 रुपये में घर जा सकते हो। 100 रुपये तुम्हारे लगे और उसके बाद जो तुम खाओगे पियोगे ज़्यादा से ज़्यादा तुम 100-150 रुपये के खाओगे, यानी 250 से 300 में तुम इतना अच्छा एडवेंचर नेचर से तुम जुड़ सकते हो। तुम्हें अगर एक दिन छुट्टी मिलता है तो आ जाओ पटना से। तुम्हें मात्र 1.5 से 2 घंटे लगेंगे आने में और जाने में 1.5 से 2 घंटे, और बाकी जितने टाइम है तुम यहाँ पे एडवेंचर कर सकते हो। तो तुम बताओ तुम्हें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बताओ। इसमें तुम्हें कितना खर्च होंगे, 200 मैक्सिमम जाओगे तो 300 खर्च होंगे और तुम मिनिमम तुम चाहोगे तो 200 में तुम्हारे हो जाएंगे। संडे दिन है, तुम संडे में दिन भर तुम घर पर सोए हुए, आकर यहाँ पर फील कर सकते हो नेचर को और तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे, बाहर घूमने को मिलेंगे। और मैं बोलूँगा थोड़ा सा सेफ्टी के साथ आना क्योंकि ये जगह अनसेफ है, क्योंकि गया डिस्ट्रिक्ट में जो भी टूरिस्ट प्लेस है थोड़ा सा अनसेफ है नालंदा गया में, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे सरकार थोड़ी ध्यान नहीं देती है, यहाँ पे रेलिंग सब टूटे हुए हैं। बताओ तुम ही बताओ, मैं गुफा के बाहर निकल कर मैं इस पर ट्रिक कर रहा हूँ, कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो क्या कर रहे हो कोई कुछ तुम्हें नहीं बोलेगा। तो तुम भी आ जाओ ना भाई, सेफ्टी का ख्याल रखना, कपल्स आते हो तो थोड़ा सेफ रहना और अकेले आते हो तो क्या सेफ्टी चाहिए भाई। तुम अकेले तो लाइफ में आए हो और अकेले ही जाओगे तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई, मैं बोलूँगा अकेले आ जा। तो तुम सब क्या कर रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब करो रेड वाले बटन को दबाकर, दोस्त को शेयर नहीं करना, नहीं करो क्योंकि तुम्हें अकेले घूमने जाना है भाई। यहाँ पे गर्मी थोड़ा ज़्यादा लगेंगे तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो लेता हूँ, जिससे मेरे थोड़े शर्टलेस फोटोज़ और वीडियोस बन जाएंगे जिसे मैं यूज़ करता हूँ इंस्टाग्राम पे पोस्ट के लिए। अगर तुम भी चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरा आईडी है बालक बिल्लू, इंस्टाग्राम पे सर्च मारो और वहाँ पे तुम मेरे फोटोज़ लेटेस्ट वीडियोज़ और लेटेस्ट लेटेस्ट तुम मेरी तरह से न्यूज़ ले सकते हो, मेरी ब्लॉग कहाँ से होने वाली है सब वहाँ पे अपडेट मिलती है। तो मेरे से जुड़ने के लिए तुम इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो @बालकबिल्लू, जल्दी से जाओ, तुम्हें बहुत सारे पोस्ट मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलेंगे वहाँ पे, शॉर्ट्स रील्स मिलेंगे, तो जल्दी से वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर लो। और देख सकते हो भाई ज़्यादा नहीं, मैं 1.5-2 महीना भी जिम किया हूँ तो थोड़ा सा अपना देख रहा हूँ कि मेरा क्या आया है। तो भाई अभी तक कुछ आया नहीं है 1.5-2 महीना का रिजल्ट, क्या करूँ भाई 1.5-2 महीना में कितना रिजल्ट आता है। कुछ अच्छे से आ जा भाई, ऐप्स दिख जा मेरे, ऐप्स भी नहीं दिख रहे हैं, क्या करूं भाई। सुबह से निकला हूं घर से 4 बजे, 5 बजे की लोकल पकड़ के 7 बजे आया हूं, 10 बजे तक घूमू घर निकल जाऊंगा। तभी कुछ डाइट वाइट कुछ नहीं लिया, कुछ खाया नहीं, यहां के जाने के बाद मैं कुछ खाऊंगा भाई, मेरे कुछ नहीं दिख रहे तो यहां से मुझे निकलना ही पड़ेगा। कैमरा मेरे थोड़े अच्छे फ़ोटोज़ ले लो ना तुम, कैसे लग रहे हैं ये, अच्छे आएंगे लग रहे हैं, मुझे अच्छे नहीं लग रहे ये, नहीं अच्छे लग रहे ये पोज, नहीं अच्छे लग रहे ये पोज, नहीं अच्छे लग रहे ये पोज, थोड़े से अच्छे लग रहे हैं मुझे, और ये पोज, ये पोज मुझे सबसे अच्छा लगा। तुम भी एक बार नेचर से रिलेट करो, मुझे क्या लोग रेट करो। चलो मैं ज़्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करूँगा यहाँ पे क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कब किधर से कौन क्या आ जाएगा। तो चलो मिलते हैं बाबा के मंदिर पे, सिद्धनाथ का मंदिर है वहाँ पे, मैं वहाँ पे जाता हूँ, आगे देखता हूँ उसको मैं ट्रिक करना चाहता हूँ भाई, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं ऊपर जाकर के पूसा पूसा मारूंगा ना तो बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे वहाँ पर मेरे, क्योंकि वहाँ देख सकते हो कि यार तुम्हारा आसमान और ये जो पहाड़ है उसका संगम दिख रहा है, जिसे बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और तुम सावन में आना, ये जगह सावन के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे थोड़े वाटरफॉल झरने गिरते हैं और पत्थर पे लिखा हुआ है यहाँ पे झरने के अंदर जाना मना है, मैं वो व्यूज़ तुम्हें दिखा दूंगा। यहाँ बगल में पताल गंगा है जहाँ पे तुम्हें स्नान करने पड़ेंगे, स्नान करके तुम बाबा के दरबार में सिद्धनाथ मंदिर के दरबार में बाबा के तुम दर्शन करोगे, वहाँ स्नान करने के बाद वहाँ से जल लेकर वहाँ पे चढ़ाया जाता है, लेकिन मैं वहाँ भी तुम्हें ले जाऊँगा। लेकिन ये पताल गंगा अभी गंदी है और वहाँ पे पानी नहीं है क्योंकि बरसात का मौसम नहीं है, बरसात आएंगे तो वहाँ पे पानी आएंगे पताल गंगा में,
और जिससे कि वहाँ पे तुम स्नान कर सकते हो और वहाँ से जल लेकर सिद्धनाथ भगवान को चढ़ा सकते हो। यहाँ पे भगवान शिव का बहुत ही गजब का फैन फॉलोअर्स है यहाँ पे, और मैं बोलूँगा तुम भी एक बार आओ, सावन में आओ। झरने के अंदर नहीं जाना क्योंकि बड़े से चट्टान में लिखा होगा, अगर तुम गए तो समझो क्या होगा। अभी बताओ, मैं बरसात में आता हूँ यहाँ पे, झरने गिरते हैं पानी, तो मैं क्या आ पाता यहाँ पे? नहीं आ पाता, इसलिए झरने के अंदर नहीं जाना। मैं अभी आ चुका हूँ क्योंकि अभी बरसात का मौसम नहीं है और इसमें पानी नहीं है। अगर पानी रहता तो मैं भी डूब चुका होता अभी तक, कहीं सार के एलिगेटर मुझे खा गए होते भाई।